हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं M30S की। फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो आ रहा था जैसे आपको कैमरास के बारे में है, जैसे इसके पीछे तीन कैमराज है, ट्रिपल कैमरा है। तो एक इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा है, एक नॉर्मल कैमरा है, एक थोड़ा क्लोजअप लेने के लिए कैमरा है, टेलीफोटो लेंस उसको कहते हैं। तो सवाल ये आ रहा था मेरे सब्सक्राइबर्स का जो M30S को बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके पास M30S तो अभी लिखिए, अगर कोई दिक्कत है तो वो भी लिखिए, और अगर आप संतुष्ट हैं इसे खरीदने से तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, क्योंकि इससे जो हमारे सब्सक्राइबर्स को कॉन्फिडेंस आएगा इसको लेने के लिए। बहरहाल दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन ऑफ 2019, और इवन 20 में भी इसके मुकाबले का अभी तक तो कोई लॉन्च हुआ नहीं है फ़ोन जो इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करवा सके। नेटवर्क का बहुत क्वेश्चन आ रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो अपना सिम चेंज कर लें, सिम के नीचे वाले जो पिन्स होते हैं कई बार वो घिस जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंपनी से अपना सिम बदला के टेस्ट करें और फिर कमेंट करें, कोई नेटवर्क इशू नहीं है। जो M30S लेना चाहता है बेधड़क ले, बेस्ट फ़ोन है मिड सेगमेंट का, विद OLED डिस्प्ले, इतनी बड़ी अच्छी बैटरी, स्लिम लुक्स, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आपको कोई तसल्ली, पूरी संतुष्टि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स, ताकि सबको कॉन्फिडेंस हो जाए। तो आज हम बात करेंगे इसके कैमरास के बारे में, कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इसके स्पेसिफिक कैमरास को कैसे सेट करना है, कि मुझे अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए वो कैसे सिलेक्ट करें, या क्लोज मुझे टेलीफोटो चाहिए वो कैसे सिलेक्ट करें, या मिडल वाला लेंस वो कैसे सिलेक्ट करें, ये तीनों कैसे सिलेक्ट करें। तो ये एक सवाल तभी आ रहा है क्योंकि जो एप्पल का फ्लैगशिप फ़ोन है iPhone 11 Pro, उसमें ये ऑप्शन आपको मिलता है कि आप तीनों में से कोई भी लेंस चुन सकते हैं, तीनों का लाइव डिस्प्ले भी इवन आ जाता है। तो वो है फ्लैगशिप फ़ोन एंड दिस इज़ मिड सेगमेंट फ़ोन, प्लीज़ डोंट कंपेयर इट विद दैट सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो आप इस फ़ोन में तीनों लेंसेज को अलग अलग अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें ऑप्शन है, दो ऑप्शन है इसमें, कि एक आपने अल्ट्रा वाइड वाइड शॉट लेना है। अल्ट्रा वाइड का मतलब होता है कि आपका जैसे सब्जेक्ट में मैं दिख रहा हूँ इस स्क्रीन में, और साथ में मेरा ये डेस्कटॉप दिख रहा है, तो इट इज़ अ नॉर्मल शॉट। अल्ट्रा वाइड में क्या होगा कि मेरे इस तरफ लेफ्ट साइड में भी जो कमरे में चीज़ें पड़ी हैं वो भी दिखेंगी, थोड़ा इधर से और आ जाएगा, तो वो जो ज़्यादा कवर करता है उसको कहते हैं अल्ट्रा वाइड शॉट। तो इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस है, तो ये दो ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाता है, फोटोज़ में भी और वीडियोज़ में भी। वो आपको डेमो देने वाला हूँ, जिसको नहीं पता है पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ से अभी इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी लोगों को दिलचस्पी है, काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे इसके कैमरे के अलग अलग लेंसेज को यूज़ किया जाए। तो रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, तीनों लेंसों को अलग, तीन लेंसेज को अलग अलग यूज़ करने की सेटिंग नहीं है, लेकिन दो सेटिंग्स हैं। एक सेकंड जैसे मैंने आपको बताया अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं, और दूसरा शॉट है आप नॉर्मल ले सकते हैं। इन दोनों की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कि आपको अल्ट्रा वाइड वाइड शॉट चाहिए तो इसमें सेटिंग बताऊंगा, जिससे अल्ट्रा वाइड आपका अपने आप सेटिंग को वो टच करने से आ जाएगा शॉट, और आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल आ जाएगा। उसके अलावा टेलीफोटो चाहिए तो आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, तो आपको टेलीफोटो शॉट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि इंडिविजुअली लेंसेज को चूज़ कर लें तो वो पॉसिबल इसमें नहीं है, क्योंकि ये आईफोन या कोई फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है। इतने फीचर्स डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, और जब वो मेहनत होती है तो फ़ोन का प्राइस बढ़ जाता है। तो फ़ोन के प्राइस को मिड सेगमेंट में रखने के लिए वो ऑप्शंस आपको इसमें नहीं मिलेंगी, लेकिन जो ऑप्शंस में मिलेंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा सब्जेक्ट जिसको हम फोकस करेंगे अपने M30S से। तो ये M30S की स्क्रीन आ गई हमारे सामने, और ये है कैमरा। तो अभी कैमरा जो है वीडियो मोड में है, तो वीडियो मोड में ये अभी ये जब आपके ये देखिए दिस इज़ अल्ट्रा वाइड शॉट, क्योंकि ये जो आपके दिख रहे हैं ना यहाँ पे तीन पेड़ का मतलब है वाइडली, मतलब ये इतना वाइड हो जाएगा कि आपके तीन पेड़ आ जाएँ, तो इसकी निशानी है कि अब अल्ट्रा वाइड मोड में है। इस मोड में आप अगर शूट करेंगे तो आपको स्पीकर भी दिख रहा है पीछे, इधर साइड लेफ्ट वाली चीज़ दिख रही है। ऑन द अदर हैंड अगर इसको हम ऊपर करते हैं तो ये आ गया इसके नॉर्मल मोड में। अब नॉर्मल मोड में आपको सिर्फ वो देखिए, ऊपर स्पीकर का जो वाइट वाला था वो चला गया, और नीचे से ढक्कन भी इसका चला गया, तो ये नॉर्मल मोड में आ गया। तो ये दो सेटिंग से आप फटाफट, ये देखिए इसमें पूरी चीज़ दिख रही है बैकग्राउंड में, दिस इज़ अल्ट्रा वायलेट शॉट एंड दिस इज़ नॉर्मल शॉट।
अब इसके अलावा अगर आपको और जूम करना है तो आप कहाँ, तो आप ये देखिए यहाँ से कर सकते हैं। ये अब इसका टेलीफोटो लेंस काम कर रहा है। टेलीफोटो लेंस इस तरह के क्लोजअप्स लेने के लिए, इसमें आप देखिए पढ़ भी सकते हैं पूरा, और ऑन द अदर हैंड अल्ट्रा वाइड में आना है तो सीधा पूरा शॉट आपको दिखेगा। तो ये दो सेटिंग्स हैं, नॉर्मल दैट वाज अल्ट्रा, और इसमें भी अगर आपको टेलीफोटो चाहिए तो आपको इस तरह से ये खींचना होगा। जितने आगे तक जाएंगे डिजिटल जूम आपका उतनी आगे तक जाता जाएगा, काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ पर जाएंगे तो ब्लर हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा हमें नहीं करना। और सीधा आपको चाहिए तो सीधा अल्ट्रा वाइड पर आ जाएगा। दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ अल्ट्रा। ये था वीडियो मोड में, उसी तरह फ़ोटो मोड में भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। फ़ोटो मोड में दिस इज़ अल्ट्रा वाइड शॉट, ये देखिए, और अगर आपको नॉर्मल लेना है तो दिस इज़ नॉर्मल शॉट। अब इसमें टेलीफोटो जाना आपने तो यहाँ से आप टेलीफोटो जा सकते हैं। तो ये देखिए फ़ोटो और वीडियो में दोनों में ये आपको ऑप्शन मिलती है। दिस इज़ अल्ट्रा वायलेट, काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, टेबल भी आ गया, एंड दिस इज़ नॉर्मल, एंड इससे आगे आपने जाना है देन यू कैन गो लाइक दिस। वीडियो में थोड़ा सा आपको क्रॉप मिलेगा, वीडियो में दिस इज़ अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वाइड एंड दिस वन इज़ नॉर्मल। फ़ोटो पे जाएंगे तो आपको अल्ट्रा में काफ़ी, देखिए पीछे तक लाइट भी आ रही है और टेबल भी काफ़ी कवर कर लिया है। तो ये दो चीज़ें हैं, इसकी मदद से आप इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन आप तीनों चीज़ें अगर आप चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड काफ़ी ये जो लाइव फोकस वाला है ये मैं हमेशा कहता हूँ ऑन करके रखें, जिससे आपको बेस्ट शॉट्स का पता लगेगा। जैसे अभी ये येलो पे है तो ये बता रहा है दिस इज़ द बेस्ट शॉट इन अल्ट्रा सेटिंग्स, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो बेस्ट शॉट आएगा। ऑन द अदर हैंड इस तरह जाएं तो यहाँ पर अब ये दिखाएगा जहाँ पर येलो होगा दैट इज़ द बेस्ट शॉट, तो इसको ये अभी पसंद नहीं आ रहा, यहाँ इसको पसंद आया। सो दिस इज़ नॉर्मल सेटिंग्स में, दिस वन इज़ बेस्ट शॉट। तो इस तरह से आप इसमें शॉट्स ले सकते हैं, एंड दिस इज़ द फोटो एंड दिस इज़ अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वाइड सॉरी नॉर्मल अल्ट्रा वाइड, और ये मैंने आपसे शेयर की थी फ़ोटो। तो फ्रेंड्स दिस वन ये था कैमरा स्पेसिफिक वीडियो कि कैसे आप डिफरेंट लेंसेज यूज़ करते हैं कर सकते हैं इसमें M30S में। डिटेल वीडियो मैंने इसमें बनाया, होप आपको पता लग गया होगा। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप चाहते हैं कोई और स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर जिसकी आपको क्वेरी है तो ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है तो मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना देता हूँ, अदरवाइज आई रिप्लाई इन द कमेंट्स। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप पहली बार आए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो टेक मैं यूज़ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी, और आपका साल अच्छा जा रहा होगा। हैप्पी न्यू ईयर, जय ओम साई राम।